हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस जरूरी है। और ये जो कल हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे उसको, आप लोगों की आंखें बंद हैं, ये आप लोगों का बायसनेस है कि एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। आप हैदराबाद को अमन को खराब करना चाहते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद के अमन और पीस के लिए आप लोग देखिए लोग क्या करना चाह रहे हैं और अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट में तो तेलंगाना में है। क्यों है? अमन है यहाँ पर। और बीजेपी आरएसएस इस तरह के वल्गर एग्रेसिव प्रोवोकेटिव वीडियोस के जरिए अपने एक छोटे सियासी फायदे के लिए नहोंगा फायदा उनको, तेलंगाना हैदराबाद की आवाम इसको कबूल नहीं करने वाली है, ये वल्गर और प्रोवोकेटिव एग्रेसिव एक्शन को। कल तक आप मेरे को गाली देते थे, अब तो गाली के साथ साथ अब तो ये भी कर रहे हैं आप, तो क्या है आपका, क्या मैसेज है ये, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है, कि यही विकसित भारत की बात बीजेपी कर रही है जो आज हम देख रहे हैं तेलंगाना हैदराबाद में। अफसोस होता है मुझे, चुनाव अपनी जगह पर है मगर चुनाव से बड़ी चीज हैदराबाद और तेलंगाना का अमन है, पीस है, यहाँ की ब्रदरहुड है, यहाँ की फ्रेटर्निटी है जो आप लोग खराब करना चाहते हैं उसको। मुझे यकीन है कि 13 मई के दिन तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम तेलंगाना के पीस के दुश्मन के खिलाफ वोट देंगे जो बीजेपी आरएसएस है। सर, कल तमिलनाडु में इलेक्शन है तो आप क्या करना चाहेंगे? आप करके देखो साहब, आप ये जो वीडियो चल रहा है, ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को रामबाण से मानते हैं। रामबाण यानी सर दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का, पसमंदे अपसमंदे के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ? असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच दे रहे थे अब तक और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। तसल्ली नहीं हुई इनको आज तक बंटवारा करने में, जो आगे निकले ना तसल्ली नहीं मिली। लेकिन साहब हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। हमारे नरेंद्र मोदी भाई मुसलमानों के लिए भी आगे बढ़ रहे और हिंदुओं के लिए भी आगे बढ़ रहे, सिख के लिए भी आगे बढ़ रहे और ईसाई के लिए भी लोगों के लिए भी आगे बढ़ रहे। असदुद्दीन जी के इस प्रकार से देश को बंटवारा करके एक पाकिस्तान कर लिए, इनको तसल्ली नहीं मिली। तो पाकिस्तान का बंटवारा जब कर लिए इंडिपेंडेंस के बाद पहले, वो तसल्ली नहीं मिली इनको। यहाँ का भारत देश में तो मुसलमानों को जीने नहीं देते जीने, क्या करते हैं? यहाँ के मुसलमानों को गरीबी हटाओ पहले, ये भड़काऊ भाषण बंद करो आप, ये भड़काऊ वीडियोस बंद करो आप। कैसा करते साहब? अरे पसमंद की लोग इससे रो रहे, पढ़ाई नहीं है उन लोगों के पास, गरीबी है, दलदल में मर रहे, पहले उसके बारे में टाइम लगाओ ना। ये बेकार के वीडियो का एडिटिंग करके गलत गलत वीडियो क्यों इधर उधर आप दिखा रहे? हम सच्चाई के पथ पे निकलने वाले हैं, अब जितने भी कर लो हरकत ऐसा, ऊपर वाला हमारे साथ है, इसलिए हमारा भी एक वीडियो है, समझ में आया? अभी इसी देख रहे नहीं देख रहे, इसी अगर सही में देख लेता थे ना इनको, एक बार नहीं बार बार सालों के पीछे बैठना पड़ता। फिर अकबरुद्दीन साहब रोए देखो, अब मालूम नहीं मालूम कांग्रेस वाले क्या करते हैं।